नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। श्री अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 29 जून 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं, एक एक करके सभी की बात करते हैं। लास्ट में करंट अफेयर की बात भी करेंगे और ये करंट अफेयर आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगी। नहीं जुड़े हों बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। सबसे पहली अपडेट है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2022 के लिए आवेदन जो है वो मांगे गए हैं। कल ही ये नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाया था, जो कल हमने 8:30 बजे वाली क्लास में कराई थी। इसमें सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए ₹185 फीस निर्धारित की गई है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगजन के लिए ₹95 जो है वो रखी गई है परीक्षा शुल्क की। बाकी आप इसके बारे में ये देख सकते हैं कि इसके लिए हाई स्कूल और उसके समकक्ष उससे उच्च शैक्षिक अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। 100 अंकों का प्रश्न होगा जैसे पिछले साल हुआ था। बाकी डिटेल में भी हम आपको जल्द ही सारी चीजें कैसे क्या फॉर्म भरा जाएगा आपको सूचित जो है वो अवश्य करेंगे। अगली अपडेट भी इसी से संबंधित है कि पीईटी में ऑनलाइन आवेदन ही जो है वो स्वीकार, पर एक चीज इनकी बहुत गड़बड़ है। आप देखेंगे तो वैलिडिटी जो है उसको मात्र 1 साल के लिए रखा गया है, यानी कि जिन्होंने पिछले साल दिया होगा वो 1 साल इस बार फिर से परीक्षा देंगे। और कितनी भर्ती आई है, मात्र एक लेखपाल की भर्ती आई है और उसमें भी ऐसी कट ऑफ रखी है कि आधे बच्चे उसमें पहले ही बाहर हो गए होंगे। तो कहीं ना कहीं ये 1 साल की वैलिडिटी को लगभग 3 साल तक रखा जाना चाहिए था। और यहाँ पर बात करें आवेदन आयोग की जो वेबसाइट है, इस पर ऑनलाइन जो है वो स्वीकार होगा और ऑफलाइन आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। यही सारी चीजें लिखी गई हैं। समूह ग भर्ती की मुख्य परीक्षाओं के लिए पात्र होंगे और एक चीज ध्यान रखिएगा कि सभी लोग इस परीक्षा को देंगे अवश्य। पिछली बार बहुत से लोग चूक गए थे तो इसलिए। अगली अपडेट है जल निगम में जल्द होगी 1489 पदों पर भर्तियां। यहाँ पर जल निगम शहरी में अधिकारी से लेकर बाबू तक के खाली जो पद हैं उन पर भर्ती जो है वो प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जल निगम प्रबंधन ने वार्षिक कार्य योजना में इन जो रिक्तियां हैं उनका उल्लेख करते हुए शासन को प्रस्ताव भेजा है। शासन से हरी झंडी मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रस्ताव संबंधित आयोगों को जो है वो भेजा जाएगा। अगली अपडेट है दरोगा भर्ती के चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनका चरित्र सत्यापन अगले माह से देखने को मिलेगा। यहाँ पर 9534 अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन और चिकित्सकीय जो परीक्षण है वो अगले माह से शुरू होगा, उसी की बात यहाँ पर की गई है। अगली अपडेट है आपकी कि व्यक्तिगत जो परीक्षार्थी हैं उनको परीक्षा देने के लिए तय करनी पड़ेगी लंबी दूरी। बरेली और मुरादाबाद मंडल के 44 केंद्रों पर शुरू हुई है परीक्षा। और कौन सी परीक्षा की बात की जा रही, तो स्नातक और परा स्नातक जो है उसकी बात की गई है। अगली अपडेट है कल से भरे जाएंगे बीएड एमएड बीएलएड के फॉर्म, रुहेलखंड विश्वविद्यालय जो है बरेली उसकी बात की गई है। अगली अपडेट है आपकी मुख्यमंत्री ने जो सभी विभाग हैं उनके साथ की सरकार के दूसरे कार्यकाल के एजेंडे की समीक्षा। 48 घंटे में पूरी करें 100 दिन के बचे काम, ऐसा जो है उनके द्वारा आदेश दिया गया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने जो मंत्री हैं उनको हिदायत दी है कि वे 100 दिन के एजेंडे के अधूरे पड़े काम 48 घंटे के भीतर जो है वो पूरे करें। मोदी जो है वो 13 को करेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेस का उद्घाटन, वो सारी चीजें। अगली अपडेट है इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है उस पर परीक्षा पर अड़ा छात्र मांगों से नहीं डिगे। आमने सामने एलएलबी प्रथम और चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र जो है वो मांग रहे हैं प्रमोशन जो है वो किया जाए, उसी की बात। अगली अपडेट है सीधी भर्ती पर 4 साल में निर्णय जो है वो नहीं। बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में नियमित जो प्रधानाध्यापक है उनकी नियुक्ति पर 4 साल में निर्णय जो है वो नहीं हो सका है। 30,000 से अधिक स्कूलों में नियमित प्रधानाध्यापक नहीं है, वही सारी कमियों को दर्शाया गया है, कब क्या रहा और वो भी सारी चीजें बताई गई। अगली अपडेट है आपकी 9137 जो है उनका होगा स्किल टेस्ट। यहाँ पर बताया गया एसएससी की जो ओर से आयोजित सीएचएसएल यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की परीक्षा 2020 वाली हुई थी, उसकी बात यहाँ पर की गई है। अगली अपडेट है उच्च शिक्षा में घट गए 4.80 लाख विद्यार्थी। राज्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में छात्र घटने से चिंता है। 4 साल में संस्थानों के नामांकन पर अगर आप नजर डालेंगे तो छात्र छात्राएं और टोटल यहाँ पर दिखाया गया कि किस अकॉर्डिंग जो है ये घटता हुआ नजर आ रहा है। अगली अपडेट है आपकी समाज कल्याण अधिकारी का निलंबन जो है वो रुका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रयागराज प्रवीण कुमार जो है उनको निलंबित करने के आदेश पर रोक लगा दी है। अगली अपडेट है अब होमगार्ड को प्रशिक्षण पर भी मिलेगी ड्यूटी भत्ते जितनी रकम, तो जो ट्रेनिंग होती है ना उसके समय वो भत्ता जो है वो मिलेगा जो ड्यूटी करने के दौरान मिलता था। तो होमगार्ड स्वयंसेवक जो है उनकी बात की गई है, लखनऊ से न्यूज है। 260 रुपये की जगह अब ड्यूटी भत्ता 786 रुपये प्रतिदिन दिया जाएगा, तो होमगार्ड के लिए अच्छी खबर है। अगली अपडेट है रिजल्ट मिला नहीं प्रवेश लेने में होगी अब मुसीबत, आगरा से न्यूज है। 12वीं के बाद अपने पसंदीदा संस्थान में जो भी प्रवेश लेना चाहते हैं उनकी बात की गई है कि रिजल्ट मिला नहीं है तो प्रवेश लेने में दिक्कत देखने को मिलेगी। अगली अपडेट है अग्निपथ योजना के विरोध में जो कांग्रेसी है उन्होंने बुलंद की आवाज। अगली अपडेट है आपकी जिले के 1000 स्कूल जो है उनको मिलेगी टैब
लैब की जो है वो सौगात, वाराणसी से न्यूज है। अगली अपडेट है इग्नू जून टर्म एंड परीक्षा के लिए कल तक आवेदन करने का मौका है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की बात की गई है। अगली अपडेट है यूपी में स्टार्टअप रैंकिंग में वाराणसी चौथे नंबर पे आया है, तो करंट अफेयर के लिहाज से याद रखिएगा। और गाजियाबाद सबसे सफल स्टार्टअप में जो है वो आया है, और लखनऊ इसमें दूसरे और कानपुर इसमें तीसरे नंबर पर जो है वो है। अगली अपडेट है चार सेटों के करंट अफेयर से रिलेटेड है। चार सेटों के संघर्ष के बाद नडाल ने जीता ग्रैंड स्लैम में अपना 306वां जो है वो मैच। मरे और किर्गियास भी आगे बढ़े, स्वियातेक ने जीता लगातार 36वां मैच। तो ये आप ग्रैंड स्लैम जो भी हो रहे हैं इन पर थोड़ा सा नजर बना करके रखिएगा। अगली अपडेट है आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड कि जो ईगा है इनका 21वीं सदी में रिकॉर्ड, लगातार 36वीं जीत इन्होंने दर्ज जो है वो की है। विश्व की नंबर एक महिला टेनिस खिलाड़ी है ईगा स्वियातेक, इन्होंने 21वीं सदी में लगातार मुकाबले जीतने का रिकॉर्ड मंगलवार को भी अपने नाम कर लिया। इन्होंने क्रोशिया की जॉन पैट जो है उसको विंबलडन के पहले दौर में हराकर 36वीं जीत जो है वो हासिल की है। अगली अपडेट है आपकी जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने जो है शपथ ली, यहाँ पर दिल्ली जो है उसके उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली है, उसकी बात यहाँ पर की गई है। अगली करंट अफेयर से रिलेटेड है आपकी अपडेट, आकाश अंबानी को मिली रिलायंस जियो की जो है वो कमान, तो 5G नेटवर्क के आने से पहले ये बड़ा कदम लिया गया है। मुकेश अंबानी की नई पीढ़ी में कौन कहाँ है, इसमें आकाश, ईसा, अनंत, ये सब नाम बताए गए हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि रिलायंस जियो की कमान कहाँ गई है। अगली आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड अपडेट है कि इंग्लिश क्रिकेट के एक अध्याय का अंत हो गया है। मॉर्गन का नाम आपने अवश्य सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा फेमस जो है ये आपके क्रिकेटर है। तो मॉर्गन जो है उन्होंने संन्यास ले लिया है, मंगलवार को इंग्लिश क्रिकेट के एक अध्याय का अंत हो गया, उसी की बात की गई है। 115 T20 मैच में मॉर्गन जो है उन्होंने इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया है, तो इंग्लैंड के हैं ये आपको पता होगा। 2019 में पहली बार एक दिवसीय विश्व कप का चैंपियन जो है वो इंग्लैंड बना था, और वो भी यहाँ पर बताया गया है। 120 छक्के लगाए मॉर्गन ने, 248 वनडे मैच खेले हैं, और ये सभी इनके जो उपलब्धियाँ हैं उसकी बात जो है वो की गई है। और 202 छक्के लगाए हैं वनडे में इस प्रारूप में किसी इंग्लिश बल्लेबाज के, सबसे ज़्यादा जो है वो है। अगली सेकेंड लास्ट करंट अफेयर है कि दिग्गज कारोबारी जो है जिनका नाम है पोलान जी मिस्त्री, उनका निधन हो गया है। तो इनका नाम आपको ध्यान होना चाहिए, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ये किस क्षेत्र से जो है वो संबंधित है। इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी जो है वो दिया जा चुका है, वो भी यहाँ पर जो है वो बताया गया। अगली और इस वीडियो की लास्ट करंट अफेयर देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। तो यहाँ पर बात हो रही है स्वागत की, तो प्रोटोकॉल तोड़कर यूएई के राष्ट्रपति जो है वो मोदी की जो आगवानी है उसको आगे जो है वो आए, यहाँ पर आप पिक्चर भी देख सकते हैं। तो ये इस पॉइंट को याद रखिएगा, आबू धाबी जो है उसमें मंगलवार को यूएई के राष्ट्रपति जो है जिनका नाम क्या है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, इनसे मिलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये हाल ही में आपके बदले थे, इनका नाम याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री जहाँ जहाँ जाते हैं वो तो आपको पता ही होना चाहिए। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा और लोग शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।